देखिए जो योजनाएं अभी चल रही हैं उसकी वस्तुस्थिति क्या है, इसी के निरीक्षण पे आज थे हम लोग। और जो कार्य समय पे पूरा हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके उचित समय पे, उसी एजेंडे को, उसी चीज़ों को, उसी विषय को लेकर के हम लोग आज निरीक्षण पे थे और देखा कार्य को, और काफ़ी संतोषजनक था। और जो टाइम बाउंड उनको दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि उस टाइम बाउंड पे हम लोग इस फ्लाईओवर को चालू करने में, सिरमटोली से जो मैकोन को जा रहा है वो है, और कांटा टोली वाला है इसमें, वो दोनों परियोजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और पूर्व सीएम ने भी इसको लेकर के काफ़ी जोर दिया हुआ था, उनकी इच्छा थी कि शहर को जो परेशानियां हो रही हैं शहर के लोगों को, उन परेशानियों को जितनी जल्दी समाप्त कर सकें, तो उसी की मॉनिटरिंग कैसी हो रही है और काम की स्थिति क्या है उसका जायजा लेने के लिए हम लोग धरातल पर थे। देखिए समस्या आई जरूर और विभाग ने उस समस्याओं को बहुत ढंग से लिया और गंभीरता से लेते हुए रेलवे से बात की, और रेलवे वालों ने इस चीज़ को माना और वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। और हम लोग इसी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ आपके बीच कि हम लोग सितंबर तक में उस फ्लाईओवर को यूज कर, मतलब एनओसी रेलवे से मिल गया है, ऑलमोस्ट मिल गया है। और सर आपने एक बैठक भी की, प्रेजेंटेशन भी देखा, कुछ वो क्या था? जी कुछ प्रपोजल और फ्लाईओवर उतारने की है शहर को, तो जिसमें जो है करमटोली से लेकर के बरियात ये बूटी मोड़ तक का है, और एक जो है हम लोग एयरपोर्ट जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं उसको लेकर के भी हम लोगों की चर्चा हुई कि इसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर चर्चा हुई। सड़कों जी कुछ प्रपोजल और फ्लाईओवर उतारने की है शहर को, तो जिसमें जो है करमटोली से लेकर के बरियात ये बूटी मोड़ तक का है, और एक जो है हम लोग एयरपोर्ट जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं उसको लेकर के भी हम लोगों की चर्चा हुई कि इसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर चर्चा हुई। सड़कों पे चर्चा हुई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी कई फ्लाईओवर्स बनने हैं, अब उसका जो है विभाग तैयारी कर रहा है और हम लोग बहुत जल्द उसका भी रास्ता निकाल देंगे। बरसात का महीना शुरू हो जाएगा और खास करके सड़कों की रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी ऑल ओवर द स्टेट। ऐसे भी फेस्टिवल से पहले होता भी है? जी होता भी है, और सरकार ने उस और सोचा भी है, और जहाँ से इस तरह की कंप्लेंस या सरकार देख रही है निरंतर उसका मॉनिटरिंग के लिए टोटल जिले को, जितने भी जिले हैं हम लोगों के राज्य में, सबको निर्देश दिया हुआ है कि कहीं से कोई जानकारी हम लोगों को आती है तो उसका काम बिल्कुल किया।